हर हर महादेव, बोलिए शंकर भगवान की जय। भक्तजनों, देवाधिदेव महादेव शिव शंकर आदिनाथ हैं, त्रिपुरारी हैं, श्रद्धा स्वरूप भक्तजन इन्हें भोलेनाथ के नाम से भी पुकारते हैं और अपने नाम के स्वरूप ही मेरे भोले बाबा इतने भोले हैं कि एक लोटा गंगा जल चढ़ाने मात्र से ही अपने भक्तजनों को तीनों लोकों की संपदा देने को तत्पर हो जाते हैं। दानियों में महादानी मेरे शंकर महादेव की अनेकानेक कथाएं वेद पुराणों में प्रचलित हैं। भक्तों, चाहे ब्रह्मा जी को वेदों का दान देना हो अथवा रावण को सोने की लंका प्रदान करनी हो, परंतु आज मैं आपको शिव जी द्वारा दिए गए एक ऐसे वरदान की कथा सुनाने जा रहा हूँ जिसे देकर स्वयं भोले शंकर के प्राण भी संकट में आ गए थे। तो आइए सुनते हैं भगवान शिव और भस्मासुर को दिए उनके वरदान की पावन कथा। तो एक बार फिर मेरे साथ बोलिए, बोलिए शंकर भगवान की जय। एक समय की बात है, भस्मासुर नामक एक भयंकर दैत्य हुआ। अत्यंत क्रूर और बलशाली था भस्मासुर। उसकी परम इच्छा थी कि वो अपार बल प्राप्त करे, अजर अमर हो जाए और स्वर्ग का अधिपति बन जाए। इस हेतु उसने अपने दैत्य गुरु शुक्राचार्य से परामर्श लिया और उनसे परामर्श लेकर भोले शंकर की घनघोर आराधना प्रारंभ कर दी। परंतु जब भोले शंकर ने उसे दर्शन नहीं दिया तो उसने हठ योग प्रारंभ कर दिया। एक पैर पर खड़ा हो गया भक्तों, दोनों हाथों को हवा में उठाकर नमन मुद्रा में कर लिया और भगवान भोले शंकर का घनघोर तप करने लगा। यहाँ तक कि उसके तन पर इस तरह धूल मिट्टी जम गई कि वो एक छोटा पर्वत शिखर लगने लगा था। ओ अन्न और जल सब कुछ था त्यागा, शिव की तपस्या करने लगा। भस्मासुर को वर देने चले तो सभी देवी देव उनके चरणों में आकर ये आह्वान करने लगे
कि हे प्रभु, यदि इस सृष्टि को बचाना है तो इस असुर को वरदान मत दीजिए। परंतु उसकी भक्ति के विवश भोले शंकर उसे वरदान देने हेतु उसके सन्मुख प्रकट हुए और उससे वर मांगने को कहा। असुर ने शिव जी के चरणों में नमन करते हुए स्वयं के अजर अमर होने का वरदान मांगा। परंतु भोलेनाथ ने विधि के विधान का हवाला देकर यह वरदान देने से मना कर दिया और कुछ और वरदान मांगने को कहा। इस पर दैत्य ने कहा कि हे प्रभु, जिसके भी सिर पर मैं हाथ धरूं वो तत्काल भस्म हो जाए। मेरे भोलेनाथ ने बिना सोचे समझे तथास्तु कहकर उसे ये वरदान दे दिया। तत्काल भस्म कर डालूं। फिर दे भक्त जनों, असुर को ये वरदान देकर जो ही शिव जी अपने लोक को लौटने लगे तो असुर बोला, हे प्रभु, रुकिए तो सही, भला मैं ये कैसे मान लूं कि आपका वरदान फलीभूत होगा भी या नहीं। आप जाएं, इससे पहले मैं इस वरदान को आजमाना चाहता हूं। शिव जी बोले, वत्स, जैसी तुम्हारी इच्छा, परंतु यहां तो तुम्हारे और मेरे अतिरिक्त कोई और है भी नहीं, भला यह वरदान तुम किस पर अपनाओगे। तब इस पर असुर अट्टहास करता हुआ बोला कि हे प्रभु, आपका वर मैं आप ही पर आजमाऊंगा। इतना कहते ही वो शिव जी के सिर पर हाथ धरने हेतु उनके पीछे पीछे भागने लगा। यह क्या, सारी सृष्टि को चलाने वाले भोलेनाथ अपने प्राणों की रक्षा हेतु आगे आगे भागने लगे। भागते भागते शिव जी वैकुंठ लोक आ गए और विष्णु जी से अपने प्राणों की रक्षा का आह्वान किया। तब शिव जी के प्राणों की रक्षा हेतु श्री हरि विष्णु ने मोहिनी का रूप बनाया और असुर के सन्मुख आ गए। ताल पर ताता थैया नचाया। जैसे जैसे मोहिनी नाचती भक्तों, दैत्य भी उसका अनुसरण कर नाचता जाता था। इतना मगन हो गया था मोहिनी के सौंदर्य में
के भूल गया वो किस प्रयोजन से शिव जी के पीछे पीछे भाग रहा था। मोहिनी के सौंदर्य ने उसे पूरी तरह भ्रमित कर दिया था और उचित अवसर जान मोहिनी रूप में श्री हरि ने नाचते नाचते स्वयं के सिर पर जैसे ही हाथ रखा वैसे ही दैत्य ने भी उनका अनुसरण किया भक्तों और नाचते नाचते अपने सिर पर हाथ रख दिया। ऐसा करना था कि वो शिव जी के वरदान स्वरूप तत्काल स्वयं ही भस्म हो गए। इस तरह श्री हरि ने मोहिनी रूप धारण कर देवाधिदेव महादेव के प्राणों की रक्षा करी। तो भक्तों यह थी भगवान भोले शंकर की और भस्मासुर की परम पावन कथा। एक बार फिर मेरे साथ बोलिए बोलिए शंकर भगवान की जय।